हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल आर एल स्टडी पॉइंट से। दोस्तों आज का आपका टॉपिक है क्लास टेंथ मैथ यूनिट फोर का जो कि चैप्टर जो है पॉलीनोमियल्स, जिसे हम बहुपद कहते हैं। ठीक है, देखिए बहुपद क्या होता है, ये हम जहाँ पे बीजगणित और मतलब अल्फाबेट और नंबर का कॉम्बिनेशन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो बहुपद में सबसे पहले आपका आता है घात, है ना। देखिए बहुपद क्या होता है, जैसे हमने राइट कर दिया ये एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर, ये क्या है, एक बहुपद है। ठीक है, ये क्या है, बहुपद है। अब हम बहुपद के घात की बात करें, बहुपद के घात की बात करें तो घात यहां से क्या हो जाएगा, दो। ठीक है, घात क्या होता है, जिस भी समीकरण में इक्वेशन में सबसे अधिक जो पावर होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, घात कहते हैं। अगर मैं दूसरा एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे 4x³ प्लस 3y² माइनस 9x प्लस जेड, अगर यहाँ पे घात पूछा जाए तो घात क्या होगा, 3। जो सबसे अधिक होगा वही क्या कहलाता है, घात कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण क्या होता है दोस्तों, जिसमें वो एक जिसका जो घात होता है केवल एक होता है। जैसे कोई भी समीकरण दिया होगा, अगर x प्लस टू ये रैखिक समीकरण कहलाएगा, 4x प्लस 3 हो गया रैखिक समीकरण कहलाएगा, x प्लस x माइनस 5 हो गया, ये सब क्या कहलाएंगे, रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण में क्या होता है, घात केवल एक होता है। ठीक है, जिस भी समीकरण में घात केवल एक होगा वो क्या कहलाएगा, रैखिक समीकरण। अगला है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद जिसे कहते हैं क्वाड्रेटिक, जिसे कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स। ठीक है, द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। द्विघात बहुपद क्या होता है बच्चों, जो भी आपका समीकरण है अगर इसके फॉर्म में लिखा गया हो ax² + bx + c = 0, इसके रूप में जो भी समीकरण लिखा होगा वो कहलाता है द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स। ठीक है, अगर देखिए होता है क्या, इन केस इसमें क्या होता है, अगर ax² + bx दिया है = 0 तो भी ये क्या होगा, द्विघात पॉलीनोमियल, द्विघात बहुपद होगा। ठीक है, अगर यहाँ से c का टर्म, इसको कांस्टेंट टर्म में कहते हैं, अगर इसकी वैल्यू 0 हो गया तो भी द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद है। सेकेंड में अगर ax² + c = 0 दिया हो तो भी ये द्विघात बहुपद है। अगर bx का जो पद है 0 हो जाएगा तो भी ये क्या, द्विघात बहुपद है। ठीक है, मेन क्या होता है इसमें ax², अगर ax² का टर्म है तो ये द्विघात बहुपद कहलाएगा। ठीक है, अगला जो आपका टॉपिक है त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद जिसे कहते हैं क्यूबिक पॉलीनोमियल्स, जिसे कहते हैं क्यूबिक पॉलीनोमियल्स। क्यूबिक देखिए क्या होता है, अगर कोई भी समीकरण आपका ax³ + bx² + cx + d = 0
अगर इसके फॉर्म में दिया है तो वो आपका क्या कहलाता है, क्यूबिक पॉलीनामियल, जिसे कहते हैं त्रिघात समीकरण। एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स इक्वल टू जीरो, अगर इसके फॉर्म में दिया है तो आप कहेंगे क्यूबिक पॉलीनामियल है। एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यदि इसके फॉर्म में है तो आप कहेंगे क्यूबिक पॉलीनॉमियल से, ठीक है। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, जैसे कोई समीकरण ले लेते हैं एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, ये क्या है, त्रिघात समीकरण, त्रिघात पॉलीनॉमियल है, क्यूबिक पॉलीनॉमियल है, ठीक है। अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो फोर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, ये क्या है, द्विघात पॉलीनॉमियल्स का एग्जांपल है, और ये जो है द्विघात पॉलीनॉमियल्स का एग्जांपल है। ओके, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है